ग्राउंड रियलिटी चेक के तहत अपना नीमच की टीम ने दो बार विधायक रहे दिलीप सिंह परिहार के जनसंपर्क के दौरान ग्रामीणों का रुख जाना। बरुखेड़ा और मालखेड़ा में जब अपना नीमच की टीम पहुंची तो ग्रामीणों का गुस्सा सामने दिखा। अधिकांश ग्रामीणों का ने कहा कि पिछले 5 साल पहले विधायक वोट मांगने आए थे और अब फिर वोट मांगने आए हैं, इस बीच वे कभी दिखाई नहीं दिए। ग्रामीणों के दुख सुख में कभी भी विधायक ने उनका साथ नहीं दिया। देखिए क्या बोले ग्रामीण जन। अभी तक तो एक रुपये का विकास नहीं हुआ बरुखेड़ा गाँव में, और ये नाला वगैरह सब गंदे पड़े हैं, रोड हमारे खड्डे वाले हैं। एक रुपया नहीं दिया दिलीप सिंह परिहार ने बरुखेड़ा के नाम से। बीमारियां फैल रही है यहाँ पास में, अब नगर पालिका कचरा पड़ा, रात दिन धुआं धुआं होता है। ये दूसरी बार आ रहे हैं, एक बार चुनाव में वोट मांगने आए थे, अभी वापस वोट मांगे। विधायक साहब हमारे गाँव में चुनाव के टाइम पे आए थे, ये दूसरी बार अभी आई है। अभी तक कोई भी काम नहीं हुआ इस गांव में। बाईपास से जो रोड मंजूर हुआ, दो बार मंजूर हो चुका है, वो भी अभी तक रोड बना नहीं। दो बार पैसे आ चुके, बाकी रोड नहीं बना। वो चुनाव जीतने के बाद आए थे, उसके बाद ये पहली बार आए हैं, और एक बार बीच में आए थे जो शनि महाराज के मंदिर पर पर्ची की घोषणा करके, वो भी नहीं लगी। माता जी के मंदिर पर पर्ची की घोषणा करके, वो भी नहीं लगी। ना तो कोई ये रोड बना, वो 4 लेन से रोड जोड़ने का था, वो भी नहीं बना। आज तक कोई काम नहीं हुआ है, गंदा पानी भरा रहता है, ये भी साफ़ सफाई नहीं होती है, इससे बीमारियां फैलती है। और भोले आवास में जो नगर पालिका कचरा डालते हैं उससे मच्छर की बहुत मार मारी, और मच्छर से बहुत बीमारियां फैलती है। आज तक शासन की योजना का लाभ बराबर लोगों को भी नहीं मिला। क्या बाकी जो और सुविधा, गंदगी, पानी जो है, इस सब चीजों के लिए, ये इन चीजों के लिए कुछ भी प्रयास नहीं हुआ। लोगों ने प्रयास किए, विधायक तक पहुँचाए, लेकिन उन्होंने किसी पे ध्यान नहीं दिया। कितनी बार आए विधायक यहाँ पे? अभी 5 बार भी नहीं आए, 5 साल। 5 साल बाद अब आए? और क्या, अभी क्या लेने आए? अभी भाई चुनाव प्रचार के लिए, और क्या, कुछ नहीं। उनसे नाराज किया सबको, विकास कुछ नहीं हुआ न। 5 साल में ये 3-4 बार आए होंगे, ज्यादा ज्यादा कभी आते तो नहीं। कभी कुछ काम लेके जाओ तो ध्यान नहीं लगाते, तो क्या करेंगे। कितनी बार आए हैं विधायक यहाँ पे आपके? विधायक 5 साल में 1-2 बार आए होंगे। एक बार आया खाली दिलीप जी से ना, 5 साल में 2 बार ही आए। 5 साल पहले आए थे जब वोट नहीं गिरे थे, वापस वोट गिरने का टाइम हुआ ना, तो आए। पर कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आती तो विधायक जी का कोई सपोर्ट नहीं है। आपको क्या लगता है इस मामले में? मारे तो घणो बुरो लागो, मन बिना कसूर को जेल जाना पड़ा किसान आंदोलन में। अच्छा। जबकि वहाँ हमने 2-8 साल में देखा किसान आंदोलन क्या हो रहा है। उस समय सहयोग करा इनने? कोई सहयोग नहीं, गांव वालों ने फोन लगाया तो विधायक साहब आए नहीं। अच्छा। अगर मान लो उनको सबूत है, हम पुलिस वाले आपसे पूछताछ कर, पुलिस वाले लेके गए भाई पूछताछ कर लो, फिर आपको जमानतदार को बुला लो। अब भाई जमानत गुनाह क्या है हमारा? बिल जमा होने के बाद भी मोटर निकाल रहे विद्युत मंडल वाले, केबल काट रहे, नुकसान कर रहे, की दादागिरी, सब दादागिरी कर रहे हैं। विधायक जी नहीं सुनते बिल्कुल भी। पहली बार भी 2 तारीख को बिल जमा था ना, मोटर खींची 26 दिन बाद लाइनमैन ने। विधायक जी के जिंदगी में पहली बार फोन लगाया तो बोले के ऑफिस में जाके बात करवा देना। ऑफिस में जाके क्या बात कराए, इसमें किसी पहले तो उसका नंबर।